देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्वस्तिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो ये जो हमारा नवरात्रि की पहले दिन का जो शाम का वीडियो था, रात का वीडियो था, जो मैं करी थी ना, क्या करी थी, जो कपड़े वगैरह सब जो साफ वगैरह करी थी, कपड़े वगैरह जो था वो कपड़े को मैं जो जहाँ जो था वो सूख गया, तो उसको मैं मतलब ढक रही थी, नहीं तो धूल हो जाएगा, इसीलिए। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा। हमारे उड़ीसा में ज़्यादातर दशहरा ही कहते हैं, बाहर का आउट ऑफ उड़ीसा जो सब क्या कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं। तो देखिए ये बड़ा वाला बक्स है, उसके ऊपर भी एक जो वेलवेट का बेडशीट था, उसको मुझे यूज करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे बेडशीट कौन सी वाला अच्छा लगता है, कॉटन वाला ही अच्छा लगता है बेड पर। तो उसको मैं कट करके इधर में ढक दी हूँ, सुंदर भी दिखाई देगा। तो ये देखिए दे दी हूँ, और मैं बोल रही थी ना ये टेडी को भी इधर रख देती हूँ, अच्छा दिखता है। ऐसा होता है तो माता की अभी दशहरा 10 दिन तो पूजा होता, 9 दिन पूजा होता है माता जी की, हमारा दशहरा ही कहते हैं। और हम घर में कोई घर में कलश वगैरह बैठा के पूजा नहीं करते हैं, हम उड़ीसा में मंदिर जाकर ही पूजा करते हैं। तो मैं घर में ऐसे नॉर्मल ही पूजा करी हूँ। और ये तो जो ये पहले दिन का था, और ये ना जो नवरात्रि के दिन का सुबह का वीडियो, मेरा बागान में ही फूल होता है तो मैं फूल को तोड़ के लाई। और इधर था जो हमारा घास बहुत हो गया था, इधर जो हमारा वॉशिंग मशीन मेरा रहता है ना, जो पानी तो इधर से जाता बहता है, तो पूरा पानी इधर मतलब इधर जो रास्ते में चले जाता है तो इधर उधर फैल जाता है, तो किसी कोई भी नहीं मिलते हैं, तो खुद को ही करना पड़ेगा ना ये सब। और हस्बैंड होते तो हस्बैंड करते, लेकिन वो एक दिन के लिए आते हैं तो उनको करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं भी कर लेती हूँ ऐसे छोटा मोटा। आजकल करना पड़ता है, क्या करें भाई, खुद का काम खुद ही करो। आजकल तो मिलना भी मुश्किल है लोगों को, इसीलिए तो खुद सब सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ भाई। कुछ भी अच्छा कुछ भी करो, पर कोई भी परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे खाली बैठने में कुछ नहीं होगा, तो बैठे बैठे क्या करें, करें कुछ काम ऐसे कहते हैं ना। तो कुछ नहीं, बैठे बैठे क्या करें, घर में हम संसार बना है, घर बना है, घर संसार करे हैं, मतलब खुद का काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ऐसे सारे चारों तरफ मेला होगा तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तो जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना ही अच्छा होता है ना सब सब। तो ये मतलब जो खुद का जगह, तो जगह में देखिए जो चींटी है, जो ब्लैक वाला चींटी बड़ा वाला वो थे ना, वो इतना जोर से काट दिए हैं तो मैं कैसे दौड़ के आ गई थी। तो ये सुबह का था, सुबह नहाने से पहले बाल भी तो धोना होता है, तो मैं सुबह इधर ऐसे साफ कर दी हूँ। और जो जो कपड़े जो था मेरे कॉटन वगैरह था वो क्या करी ना, भिगो दी थी उसको ऐसे, कॉटन को मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। क्यों धोती हूँ मैं बताती हूँ, उसका जो रिंग्स है ना, वॉशिंग मशीन में डालोगे तो रिंग निकल जाएगा ना, इसीलिए मैं हाथ से ही, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे ही मतलब सर्फ में मैं डुबा दी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे साफ कर दी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो हैवी वाला ना मैं वॉशिंग मशीन पर डालती हूँ, लेकिन वो कॉटन वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो उसको भी मैं धो दी हूँ नहाने से पहले ही, बहुत कम समय में हो जाता है। और जो हस्बैंड का जो कपड़े ना वो बहुत लेट होता है, लेट लगता है उनका, तो जो इतना मेला होता है, एक दिन मैं दिखा दूँगी कितना मेला है, तो परेशान भी हो जाती हूँ। वॉशिंग मशीन भी साफ नहीं कर पाता है, क्या करें भाई। जो बेडशीट वगैरह मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ बेडशीट, और उनका जो ज़्यादा मेला नहीं होता वो वाला कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो
हाँ, खुद का काम तो खुद ही करो, वैसा भी एक्सरसाइज भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी करना नहीं पड़ेगा। मैं जितने दिन हूँ मेरे मैं कर पाती हूँ, मेरे मतलब कर लूँगी और क्या, जितने दिन मैं कर पाऊँगी, और अभी तो कर पाती हूँ मतलब कर लूँगी। ऐसे तो धूल मेला होगा, मेला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए इसे कर लेती हूँ टाइम निकल कर, सुबह का टाइम कर लेती हूँ। लाने के बाद ना वो सब काम करना बहुत मुश्किल है मुझसे, मैं नहीं कर पाती हूँ। वैसे वैसे तो कपड़े उनका जो हस्बैंड का जो कपड़े पैंट शर्ट वगैरह ना पड़ा हुआ है, प्रेस नहीं करी हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे। और अभी तो गर्मी भी हो रहा है, बारिश अभी रुक गया तो गर्मी हो रहा है। अभी तो अभी जो सर्दी का टाइम भी आएगा तो ब्लैंकेट वगैरह भी साफ करना होगा, कम से कम निकाल के थोड़ा सा पानी में डालकर ही सुखाना पड़ेगा। तो ये देखिए सारे कपड़े को भी सुखा रही हूँ। दुनिया में आए तो कुछ काम करें भाई, कुछ काम करके जाएं, कब क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं, आप भी अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुशी में होंगे। आज है, आज से नवरात्रि स्टार्ट। हमारा उड़ीसा में तो कहते हैं दशहरा, तो आप सबका हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि। देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण स्वस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो जो मेरे चैनल का न्यूज तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब न्यू वीडियो डालूंगी आप लोग के पास पहुंच जाएगा, तो चलिए बने रहिए वीडियो पर। आज चलिए मैं चना नाना धरा तो हो गया, चना दाल बनाती हूँ, पूजा भी हो गया, पूजा करी। वैसे तो हम उड़ीसा में हमारा जो अष्टमी के दिन ही पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, आज नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली मैं माता जी का पूजा करती हूँ, उड़ीसा में ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। बने रहे वीडियो पर, और आगे क्या क्या करूँगी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। ओके चलिए बने रहे। तो ये देखिए अब मैं किचन में तो घुस गई हूँ, और ये ब्लैक चना ना, ब्लैक चना को मैं जो प्रेशर कुकर में दे दूंगी, और ब्लैक जो काला चना उसकी सब्जी बनाऊंगी। पूजा वगैरह सब खत्म कर लिया, तो मैं क्या बोल रही थी, हम दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ करें। चलो भाई, कब क्या होगा किसी को क्या पता, जब जो होना है होता है, तो वो तो दूर की बात है। तो अपना काम करते जाएं करते जाएं, क्या बोलते हो, अपना काम तो हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब मैं क्या बोलूँ, तो इधर देखिए मसाला का भून रही थी, और सुबह का जो कोदाल खुरपी व जो कोदाल वाला काम करोगे ना, इतना कमर दर्द होता है। सुबह तो मैं कर ली, लेकिन दोपहर को मेरा कमर दर्द हो रहा था, क्या बोलूँ मैं। और भी दो रूम को सफाई करना, देखिए मसाला भी हो गया, दो रूम को सफाई करना है, लेकिन करूँगी, देखती हूँ कब करूँगी। और ये क्या हुआ ना, बेडशीट सुबह का टाइम क्या हुआ, बेडशीट को भी मैं नहीं लगा पाती हूँ। ये सारे जो मसाला बनाई, मसाला बनाने के बाद ही ये जो बेडशीट को लगा रही थी। ऐसे मैं मैनेज करती हूँ अपने काम को, आप लोग भी ऐसे करते होंगे, कर रहे हैं, मैं भी देखती हूँ। मुझे ना ब्लॉग वाला अच्छा लगता है, कौन कैसे करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ। सबकी घरों में कुछ ना कुछ अलग टाइप का होता है, मेरे जैसे मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये शाम को चाय पीने के बाद बागान में गई, और इधर ना एक घास में देखी, जो बचपन में हम खेल रहे थे घास में, छाता बनाकर खेलते थे, ये घास मेरे बागान में हुआ, घास फिर से हो गया है बहुत सारे, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, देखती हूँ कि अब क्या करूँगी। कि दो तीन जन को बुलाई, घास का कट करोगे, नहीं आते हैं, क्या करें। तो ये मैं छाता टाइप का बना रही थी, बचपन की खेल, कभी कभी बचपन बनना भी, बचपन की याद आ जाती है, कोई बात है, जब मैं बाहर बैठती हूँ, जब बहू के साथ हम बातें करते हैं, बचपन में हम ऐसे वैसे वैसे करते थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे,
तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।